नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले सभी दलों का बस्तर पर जोर है। बस्तर की आदिवासी वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने जुगत बिठाना शुरू कर दिया है। फिलहाल बस्तर की 12 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में है। जाहिर है बीजेपी के सामने यहां मुश्किलें हैं, लेकिन कांग्रेस के सामने भी इन सीटों को बचाए रखना एक चुनौती, क्योंकि बीजेपी ने पूरा जोर बस्तर पर लगा दिया है। चर्चा आज इसी पर होगी। उससे पहले रिपोर्ट देखिए आप। छत्तीसगढ़ में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल एक्टिव हो चुके हैं। कांग्रेस लगातार चुनावी रणनीति बनाने में लगी है, तो बीजेपी भी अपनी चुनावी योजना के तहत काम कर रही है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि बस्तर पर दोनों ही दलों का सबसे ज्यादा फोकस नजर आ रहा है। बात कांग्रेस की करें तो पार्टी ने जगदलपुर में भरोसे का सम्मेलन के बाद शुक्रवार को एक और बड़ा आयोजन किया। इस दौरान बस्तर संभाग की चुनावी रणनीति को लेकर बड़ी बैठक भी सियासी चर्चा में है। इस बैठक की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें सीएम भूपेश बघेल के साथ साथ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत कई पदाधिकारी और बस्तर के सांसद विधायक शामिल हुए। बस्तर में कांग्रेस की बड़ी बैठक पर बीजेपी की नजर है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस को इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बस्तर में पार्टी की स्थिति नाजुक है। पार्टी पहली बार ऐसा हो रहा है कि आगामी चुनाव को देखते हुए वो संभाग स्तर के सम्मेलन कर रही है। समझ चुकी है कि बस्तर, सरगुजा और पूरे छत्तीसगढ़ में उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक है, खराब है। नेताओं से आग्रह है, मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि संभागीय सम्मेलन में कम से कम पीसीसी के अध्यक्ष के फोटो लगाने की अनुमति वहां के कार्यकर्ताओं को अवश्य देंगे। वहां के फोटो वोटो निकाल करके उनका अपमान नहीं करेंगे। एक आदिवासी का अपमान बहुत सह लिया है, आप ऐसा अपमान फिर से नहीं होना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन, मैंने पहले कहा था कि बस्तर में और ट्राइबल क्षेत्रों में और पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति बहुत ही नाजुक होती जा रही है। वादा खिलाफी के चलते इनके विधायक, इनके मंत्री वहां के लोगों का सामना नहीं कर पा रहे हैं, और अब चुनावी वर्ष अब 6 महीने के बाद उनको जाना है, तो किस मुंह से ये इनके विधायक जाएंगे, इसी के चलते अभी संभागीय सम्मेलन बना करके अब किस मुद्दे को लेकर के ये लोगों को झूठ बोलेंगे, ये वहां पर रणनीति बनाएंगे। उधर बीजेपी के लिए बस्तर काफी अहम है, लिहाजा पार्टी जी तोड़ मेहनत कर रही है। ओम माथुर समेत पार्टी के बड़े नेताओं का बस्तर दौरा लगातार देखा जा रहा है। हालांकि जैसी बीजेपी को उम्मीद है बस्तर में इस बार कांग्रेस का जादू नहीं चलेगा, वैसे ही कांग्रेस ने भी अपनी राय बना रखी है। कांग्रेस कहती है कि 15 साल तक बीजेपी ने बस्तर के लिए कुछ किया नहीं, जिसका नतीजा है कि बस्तर की सभी सीटों पर आज कांग्रेस का कब्जा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुगालते में है। भारतीय जनता पार्टी को बस्तर की जनता ने 2018 में नकारा था। उसका बड़ा कारण यह था कि बस्तर के लोगों का भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल तक शोषण किया, उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन किया। बस्तर का आम आदमी सुरक्षा बलों और नक्सलवादियों के दो पार्टों में पिस रहा था। उनके वन अधिकार पट्टों को लंबित किया गया, उनके रोजी रोटी के साधन को छीना गया, उनको जबरिया जेलों में ठूसा गया। हमारी सरकार आने के बाद बस्तर के लोगों के संवैधानिक अधिकारों को बहाल करने का काम किया। हम बस्तर के लोगों ने 2018 में जो हमारे ऊपर भरोसा जताया था, हमारी सरकार ने उस भरोसे को और ज़्यादा मजबूत किया। यही कारण है कि हम बस्तर में दो उपचुनाव जीते, बस्तर के सारे हम नगरीय निकाय चुनाव जीते, और आने वाले चुनाव में भी बस्तर भाजपा मुक्त था, और आने वाले चुनाव में भी बस्तर भाजपा मुक्त ही रहे। छत्तीसगढ़ की राजनीति में कहा जाता है कि जिस पार्टी को बस्तर की सीटों पर बढ़त मिलती है, राज्य में उसी की सत्ता बनती है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बस्तर में कांग्रेस ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की। बाद में यहाँ एक सीट पर उपचुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस ने ही जीत दर्ज की। मौजूदा समय में बस्तर की सभी 12 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। 2018 के प्रदर्शन को 2023 में दोहराने के लिए पार्टी यहां चुनावी रणनीति भी बनाएगी, लेकिन बीजेपी भी बस्तर इलाके पर लगातार फोकस पे है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने हाल ही में यहां 4 दिनों का दौरा किया। अब देखना ये होगा कि बस्तर से किसे सत्ता की चाबी मिलती है। ममता लांजीवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जगदलपुर। तो बस्तर पर है सबका जोर, बढ़ गया है चुनावी शोर।
कहा जाता है कि बस्तर को जिसका आशीर्वाद मिल जाता है सत्ता का रास्ता खुल जाता है छत्तीसगढ़ में। और इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वंदना राजपूत कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वंदना जी, आपका मैं बहुत स्वागत करता हूं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और बीजेपी की तरफ से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले वंदना जी, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा। बीजेपी से संजय पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और लेकिन वंदना जी सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूंगा। कांग्रेस का कहना है कि बस्तर में कांग्रेस को बढ़त मिलेगी, कांग्रेस बस्तर जीतेगी। किस आधार पर कांग्रेस ये बात करी है? क्या पार्टी ने कोई सर्वे वहां पर किया है जिसके आधार पर ये बात कही जा रही है कि कांग्रेस कहती है कि बस्तर में हमारी जीत होगी? वंदना जी, देखिए आज संभागीय सम्मेलन का भव्य कार्यक्रम रखा गया था, और इसमें आप देखेंगे कि लाखों लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। अगर हम बस्तर की बात करते हैं तो बस्तर में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की दृष्टि से हमने बेहतर काम किए हैं, और इसी काम को वहां की जनता ने बेवकूफी से देखा है और बहुत अच्छा इनको सराहा गया है। अगर हम बात करते हैं बीजेपी के शासनकाल और कांग्रेस के शासनकाल की अगर तुलना करते हैं तो बीजेपी के शासनकाल में क्या होता था, वो स्कूल 300 जो स्कूल है उनको बंद करने का काम किया। कांग्रेस के जो शासनकाल है उस शासनकाल में स्कूल तो हमने खोले ही, साथ ही उसमें हमने अंग्रेजी माध्यम स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलने का काम किए हैं। भाजपा के सरकार में क्या होता था, वहां पर आदिवासी महिलाएं सुरक्षित नहीं रहती थी, कांग्रेस के सरकार में महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित है। भाजपा के कार्यकाल में क्या होता था, आदिवासी के जो जल जंगल जमीन छीनने का काम करते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार उनके अधिकार को देने का काम किया है। भाजपा की सरकार क्या करती थी, वहां पर देखेंगे कि स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत बड़ा किलो खिलवाड़ करते थे। वो पहले आप देखते थे मलेरिया हो चाहे डायरिया हो, हजारों लोगों की मौत होती थी। अभी जब से कांग्रेस की सरकार हुई इस तरह से कोई भी यहाँ पर बातें सामने नहीं आती, क्योंकि हम हाट बाजार योजना के माध्यम से हो या जिला अस्पताल के माध्यम से हो, हम बेहतर वहां पर स्वास्थ्य के बेहतर से बेहतर सुविधाएं हम दे रहे हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, वहां पर 65 लघु वनोपजों की खरीदी की शुरुआत की है, जो इनके शासनकाल में सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से 22 या 23 लघु वनोपज की खरीदी होती थी। अगर हम बात करते हैं भाजपा की, तो भाजपा के कार्यकाल में जो तेंदुपत्ता जो रहता था मानक बोरा सिर्फ 2500 रुपए देते थे, जब से कांग्रेस की सरकार आई है उस मानक बोरा को बढ़ा करके हमने 4000 किए हैं। अगर सरकार की बात करते हैं, कांग्रेस सरकार की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी अगर उपलब्धि है तो कांग्रेस सरकार की उपलब्धि है रोजगार की उपलब्धि है। आप देखेंगे कि हम वहां पर लोगों को सुरक्षा के साथ साथ हम रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, और रोजगार के उपलब्ध कराने के साथ साथ ही हम देख रहे हैं कि वहां के लोगों में बड़ा आत्मविश्वास आया, और आत्मविश्वास के साथ ही वो कांग्रेस का साथ देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम देखेंगे कि वर्तमान में बस्तर की जो 12 विधानसभा सीट है वो अभी कांग्रेस के झोली में, और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले जो 2023 के विधानसभा चुनाव है ये 12 के 12 सीट फिर से कांग्रेस की झोली में आने वाली है। रही बात अभी बीजेपी चाहे लगातार बस्तर के दौरे कर रही है, लेकिन उन लोगों की कोई दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि 15 साल के कार्यकाल को उन्होंने देखा है कि 15 साल के कार्यकाल में बस्तर के आदिवासी भाई बहनों के साथ इन्होंने कितना जुल्म किया है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो इन लोग जितना भी पापड़ बेल रहे 15 साल इनके कुशासन को देखे हैं, और 9 साल अभी केंद्र सरकार के जो जुमलेबाजी उनको भी देखे हैं, बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। इन लोगों के पास कुछ मुद्दा नहीं है कि कुछ मुद्दा को लेकर के जनता के पास जाकर के बता सके, क्योंकि 2003 में डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि प्रत्येक जो किसान के परिवार है उनके परिवार को एक जर्सी गाय देंगे, उन्होंने दिया नहीं। बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किए था, उन्होंने किए नहीं। तो बहुत सारे जुमलेबाजी इन्होंने किए हैं, जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है, और कांग्रेस कहती नहीं वो करके दिखाती है। बिल्कुल वंदना जी, बस्तर में कांग्रेस की तरफ से किए गए कार्यक्रम में नजर आती भीड़ और बस्तर में किए गए विकास कामों के आधार पर ही आप कह रही हैं कि बस्तर में कांग्रेस की जीत होने वाली है? देखिए आप अगर हम देखते हैं तो हम अभी ये हमारा पहला कार्यक्रम नहीं है, इससे पहले भी लगातार बस्तर के क्षेत्र में हमने काम किए हैं, चाहे भरोसे का सम्मेलन की बात हो चाहे मुख्यमंत्री जी का लगातार जो जनसंपर्क अभियान की बात करें, तो हम लगातार जनता के संपर्क में बने हुए हैं।
ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी की जैसे कि जैसे चुनाव नजदीक आता है वैसे ही जनता का समर्थन लेकर के वापस जाते हैं वो लोग, अपने तरफ जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, वैसे कांग्रेस नहीं है। हमारी सरकार तब से जब से बनी है तब से हम जनता के संपर्क में है और जनता के लिए हम जन कल्याणकारी जितने भी योजनाएं हम उसको पता लगा रहे हैं कि जो सरकार की जो योजना है उस योजना का लाभ कहाँ तक इन लोगों को पहुंच पाया है, अगर नहीं पहुंच पाया है तो उसका कारण क्या है। हम लगातार बात कर रहे हैं और हम काम भी कर रहे हैं। और हम अगर बस्तर की बात करते हैं तो वहां पर सबसे बड़ी समस्या थी नक्सलाइट की समस्या, जो अभी देखेंगे कि बीते पिछले 4.5 साल में नक्सलाइट की जो घटना है वो बहुत पहले से कम हो चुकी है। और अगर हम बात करते हैं भाजपा के कार्यकाल में प्रतिदिन मतलब हफ्ते में कम से कम एक या दो बार बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते थे नक्सलाइट, तो ये नक्सलाइट समस्या जो है काफी हद तक कम हो रही है। अब हम वहां के हर एक युवा जो बेरोजगार है उनके हाथों में हम रोजगार दे रहे हैं, इसीलिए उन लोग ये सब रास्ते में जाना अपना आपको उन लोग सुरक्षित। ठीक है वंदना जी, मैं आपके पास लौटूंगा। बीजेपी से संजय पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी आपका बहुत स्वागत है। संजय जी, बीजेपी कह रही है कि बस्तर में जीत उसकी होगी, कांग्रेस की हालत कमजोर है, किस आधार पर ये बातें हो रही हैं? संजय जी देखिए, मुझे समझ में नहीं आता है किस आधार पर प्रियंका जी बात कर रही हैं। आपने जो वादे छत बस्तर की जनता के साथ किए, यहाँ के उद्योग मंत्री वाणिज्य मंत्री कवासी लखमा जी ने एक भी सिंगल उद्योग इस पूरे बस्तर में लगाया हो तो बताइए, बल्कि उसके एवज में 100 से अधिक उद्योग छोटे और मंझले का जो उद्योग थे वो सब बंद हो गए हैं। शराब पूरी घर घर पहुंचाई जा रही है, हर रोड में शराब बिक रहा है। जो शाम को नुक्कड़ों पे लड़कों की भीड़ हुआ करती थी, युवाओं की भीड़ हुआ करती थी, अब वो चाय नहीं पीते, अब वो ड्रग्स और शराब पीते हैं। किस बदौलत जीतने की बात कर रही है? ना युवाओं को कोई रोजगार है, ना नक्सली के बाद अभी प्रियंका जी का सुन रहा था लास्ट लाइन में, नक्सली तो इनके सागिर्द बन गए हैं। उन्होंने कहा कि कोई घटना नहीं हुई, अभी अभी कुछ दिन पहले ही 12 जवान नक्सली विस्फोट में मारे गए, मतलब कितने शर्म की बात है। कायदे से तो नक्सली के सपोर्ट में अभी ये सरकार काम कर रही है और नक्सली इनके रहते हुए अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसलिए यह कहना कि कांग्रेस बस्तर जो है 12 में 11 आदिवासी सीट है और 12 की 12 सीट कांग्रेस को इस बार विजय में दिया बस्तर ने, परंतु उन आदिवासियों के साथ किया गया। कांग्रेस ने उन आदिवासियों का इस प्रकार से शोषण किया कि उनकी संस्कृति को ही नष्ट करने में लग गई। अभी धर्मांतरण की घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं और रोज यहां पर धर्मांतरित ईसाई और जनजाति समाज में। संजय जी, आपका ये कहना है कि बस्तर में सरकार ने विकास के कोई काम नहीं किए इसलिए जीत बीजेपी की होने वाली इस बार? संजय जी, 100% विकास का एक सिंगल काम कोई सा इन्होंने किया? इन्होंने कहा था कि नक्सली ग्राम को हम जो प्रभावित ग्राम है वहां पे एक एक उसी सभी ग्राम को 1-1 करोड़ रुपए देंगे, एक नक्सल नीति बनाएंगे। कहां पे है वो नक्सल नीति? आज तक 4.5 साल बीत गया, नक्सल नीति का पता नहीं किस ग्राम को इन्होंने 1 करोड़ रुपए दिया। नक्सल से शांति वार्ता करेंगे? नक्सल से शांति वार्ता नहीं, समझौता वार्ता कर रहे हैं। मतलब नक्सली इनकी आड़ में अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। ठीक है, मेरा एक सवाल आप दोनों से रहेगा। दोनों ही राजनीतिक दलों का फोकस बस्तर पर रहता है और क्यों रहता है ये सब हम जानते हैं, लेकिन जब विकास की बात आती है तो बस्तर से ऐसी तस्वीरें कई बार हम देखते हैं कि एम्बुलेंस नहीं मिल पाई किसी ग्रामीण को, पानी की समस्या है, ऐसी कई सारी चीजें अभी भी हैं। कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जो विकास से महरूम है अभी तक, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तब फोकस पूरा बस्तर पर रहता है, लेकिन विकास की बात जब आती है तब कहीं ना कहीं राजनीतिक दल पीछे हो जाते हैं। वंदना जी, इस पर रिएक्शन पहले आपका चाहूंगा मैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल है ये तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी इतना जरूर है कि कांग्रेस पार्टी शुरू से शिक्षा रोजगार पर हमेशा से ध्यान दिया और यहाँ तक कि स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि अगर एम्बुलेंस की बात करते हैं तो अभी कांग्रेस सरकार में ऐसे एक भी चित्र नहीं आई है कि लोग एम्बुलेंस से परेशान है, उनको एम्बुलेंस नहीं मिल पाया। बल्कि हम जहां पर देखते हैं, जब भाजपा शासित राज्य है उस पर हमेशा आपके मीडिया के माध्यम से ऐसी जानकारी मिलती है, क्योंकि हमने हाट बाजार क्लिनिक योजना बनाया है। इस योजना के माध्यम से वहां के लोगों को बहुत अच्छा उपचार मिल रहा है, तो वहां के लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से तो बिल्कुल परेशानी नहीं हुई। दूसरी, अगर हम पानी की बात करते हैं तो आप जाकर के देखिए, आज हर घर पर पानी, हम बेहतर से बेहतर पानी देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे नल के माध्यम से हो चाहे बोर के माध्यम से हो, तो वहां के लोगों को अभी पानी के लिए भी बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हो रही। रही बात रोजगार की, तो मैं रोजगार के लिए भी पहले बोल चुकी हूँ, अभी लगातार आप देखेंगे कि सरकारी भर्ती भी कितनी अधिक हो रही है, विभिन्न पदों पर भर्ती हो रही है। अगर हम बात करते सिर्फ सरकारी भर्ती की पर नहीं है, हम वहां पर स्वयं के रोजगार खोलने के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं चला रहे हैं ताकि युवा को रोजगार मिल सके। और आपको मैं एक महत्वपूर्ण
लेकिन संजय जी तो कह रहे हैं कि एक भी रोजगार कवासी लखमा जी ने वहां पर नहीं खोला। देखिए अगर इन लोग राजनीति के चश्मे से थोड़ा सा बाहर निकल करके देखेंगे तब उन लोगों को दिखाई देगा ना। सुमित जी आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगी, भाजपा की सरकार में, एक मिनट सुनिए पांडे जी एक मिनट, भाजपा के सरकार में आप देखते थे कि लगातार चर्च खोलने का काम करते थे, लेकिन कांग्रेस के सरकार में देवगुड़ी बनाने का काम करते हैं। इन लोग बोलते हैं लगातार वहां पर की धर्म परिवर्तन के बारे में, अरे इतिहास गवाह है, 15 साल खोल करके देख ले कितना चर्च भाजपा शासन में बना है, उसका जवाब दे दे पांडे जी। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सिर्फ डिबेट में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने से होता नहीं। ठीक है ठीक है, इसका जवाब पांडे जी से ले लेते हैं। जी जी वंदना जी आपके पास लौटता हूँ। पांडे जी, छत्तीसगढ़ राज्य में लंबे समय तक आपकी सरकार रही, जब चुनाव नजदीक हैं तब आपके जो पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, बस्तर का दौरा लगातार कर रहे हैं, लेकिन विकास की जब बात आती है तब हमने बीजेपी शासन काल में भी कई ऐसी तस्वीरें देखी थी जब सड़क नहीं होने के चलते मरीज को खाट पर लिटाकर अस्पताल पहुंचाया गया है। हालांकि कांग्रेस शासन काल में भी ऐसा ही है, लेकिन लंबे समय तक आपकी सरकार रही थी छत्तीसगढ़ में, संजय जी क्या कुछ कहेंगे? देखिए जहां तक बात सुविधा चिकित्सा का है, बस्तर में मेडिकल कॉलेज खुला, बस्तर में एक अच्छा हॉस्पिटल खुला, अभी केंद्र सरकार के तरफ से एक ट्रामा सेंटर बड़े भव्य स्तर का बन रहा है, लगभग तैयार हो गया 80%। कांग्रेस ने उस मेडिकल कॉलेज को रिफर सेंटर बना दिया, यहाँ पे 700 से 800 ओपीडी होती थी वो अब घट के 200 हो गई है, एक प्रकार से मेडिकल कॉलेज बंद होने की स्थिति में आ गया है। जहां तक वो बात कर रही है रोजगार की, 51 आवेदन चौकीदार के निकलते हैं, 1 लाख से ऊपर आवेदन आ जाते हैं, 51 पद निकलते हैं, तो ये इनके रोजगार का मामला है। युवाओं को 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, आप ही लोग की जो करनी है, जो करनी है उसी की तो हम लोग भरपाई कर रहे हैं। 15 साल आप लोग ध्यान दिए रहते तो ये हाल थोड़ी होता, 15 साल ध्यान दिए रहते तो ये हाल थोड़ी होता। वंदना जी मैं लौटूंगा, वंदना जी एक बार फिर से लौटूंगा मैं आपके पास, प्लीज। जी जी पांडे जी, 15 साल हमने किया क्योंकि 15 साल हमने अच्छा काम किया, परिवर्तन एक लहर है, लोग बदलना चाहते थे, उसमें कुछ गलतियां हुई, हमारे से बदलाव हुआ और लोगों ने बड़े पैमाने में बदलाव किया। परंतु आपने जो 36 वादे किए आज बस्तर की बड़ी, मैं तो कह रहा हूँ कवासी लखमा ने एक भी उद्योग सिवाय शराब माफिया के, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया, रेत माफिया, माइनिंग माफिया, ट्रांसफर माफिया, जितने कोल माफिया, जितने भी माफिया, धर्मांतरण माफिया तो यहाँ पे बस्तर में शुरू है, इस माफियाओं के अलावा इनके सारे नेता आज से 4.5 साल पहले जो स्लीपर चप्पल नहीं पहनते थे आज चमचमाती कारों में घूम रहे हैं, सिवाय भ्रष्टाचार के बस्तर को इन्होंने कुछ नहीं दिया, पब्लिक समझ रही है। इसलिए शैलजा जी को यहाँ पे फिर से आना पड़ रहा है और शैलजा जी भी अपना टाइम काट रही है, तो यहाँ पे कोई सुधार करने के उद्देश्य से नहीं आए। आज एयरपोर्ट में जय जय चरण हो रहा है कि कोई ना, शैलजा जी का जय जय करने वाला भी नहीं था कोई, जय जय चरण चल रहा था, भूपेश बघेल चल रहा था, तो शैलजा जी भी यहाँ पे समय काट रही है अपना। ठीक है, एक आखिरी कमेंट वंदना जी से चाहूंगा मैं। वंदना जी, बस्तर की जनता कांग्रेस को वोट क्यों दे? बस्तर की जनता कांग्रेस को वोट इसलिए देगी सुमित जी, क्योंकि वहां पर हम देखते हैं कि जो किसानों का जो समर्थन मूल्य पर धान हमेशा हम लोग खरीदी कर रहे हैं, बिजली बिल हाफ, किसानों का ऋण माफ, यहाँ तक कि जो मत्स्य पालन है उस मत्स्य पालन को हमने कृषि का दर्जा दिया है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर हम बात करते हैं बागवानी को भी देखेंगे, हमने कृषि का दर्जा दिया है, हम देखेंगे लगातार जो युवाओं को, उनको राज्य युवा मितान के क्लब से जोड़ा जा रहा है, महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, और महिलाओं को भी वहां पर देखेंगे कि आर्थिक सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात जो आदिवासी क्षेत्र है, वहां पर आदिवासी क्षेत्र में फिर मैं एक बार बोलना चाहूंगी, चाहे स्वास्थ्य हो, आखिरी कमेंट संजय पांडे जी आपसे चाहूंगा कि 12 की 12 सीटें जीतने का दावा बीजेपी करती है, नहीं लगता आपको चुनौती काफी कठिन है? संजय जी, नहीं, चुनौती निश्चित रूप से कठिन है, लेकिन हम 12 में से 11 पहले जीते हैं और इस बार 12 में से 12 जीते हैं। कांग्रेस के चाल और चरित्र को देखकर जनता पूरी तरह से दुखी है, जनता पूरी तरह से आक्रोशित है, इनको हटाने के लिए बैठी है। जब भी ठीक है, दोनों ही राजनीतिक दल बस्तर जीतने का दावा करते हैं, किसके दावे में कितना दम होगा, विधानसभा चुनाव में साफ हो जाएगा, समय की कमी है मेरे पास। संजय जी बहुत शुक्रिया, वंदना जी आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।